ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम भागवतम का चौथा अध्याय फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर का शीर्षक है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। तो ये अध्याय में कैसे, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे व्यासदेव की ज़िंदगी के बारे में आता है और कैसे व्यासदेव सब वेद लिखने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं, राइट। और नारद मुनि आके उनको उनके असंतुष्टता का जो कारण है, दुख का जो कारण है, उसके बारे में बताते हैं, राइट। तो पहला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट वन। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसूतं भवर्च शौनको ब्रवीत्। ऑन हियरिंग सुत गोस्वामी स्पीक तस, शौनक मुनि who was the elderly learned leader of all the rishis, engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Suta Goswami by addressing him as follows. तो जैसे हम पिछले अध्याय में डिस्कस कर रहे थे, Suta Goswami शौनक आदि ऋषि को बोलते हैं कि मैंने जैसे Shukadev Goswami से सुना है वैसे ही आपको प्रस्तुत करूँगा। यतादीतम यतामति, तो जैसे मैंने सुना है, जैसे मैंने समझा है और जैसे मेरा साक्षात्कार हुआ है वैसे मैं प्रस्तुत करूँगा। तो जो शौनक ऋषि हैं, जो सुत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं, और सामने बहुत सारे संत ऋषि मुनि बैठे हैं, और उसमें से सबसे प्रमुख कौन है? शौनक मुनि। तो शौनक मुनि बाकी जितने भी ऋषि हैं, श्रोता है, उनके लिए वो सुत गोस्वामी को धन्यवाद करते हैं, राइट। तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखता है, इन अ मीटिंग ऑफ लर्नड मेन वेर देर आर कॉन्ग्रेचुलेशन और एड्रेसेस फॉर द स्पीकर, द क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ग्रेचुलेटर शुड बी एज फॉलोज। ही मस्ट बी लीडर ऑफ द हाउस एंड एन एल्डरली मैन, ही मस्ट बी ऑल्सो वेरी लर्नड। तो जैसे सुत गोस्वामी यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं और बाकी इतने सारे ऋषि मुनि बैठ के सुन रहे हैं, पर इन सब ऋषि मुनि में से सब ऋषि मुनि एक व्यक्ति को चुनते हैं, शौनक मुनि, जो उनके लिए सुत गोस्वामी को धन्यवाद करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, राइट। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे हैं वैष्णव संप्रदाय में एटिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सदाचार। सदाचार का मतलब क्या है? जो वरिष्ठ हैं उनको सम्मान देना। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे पर हर कोई बात नहीं करता, हर कोई प्रश्न पूछता नहीं है, एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उन सब के लिए एक ही व्यक्ति पूछता है, और वो कौन है? शौनक ऋषि। और शौनक मुनि को क्यों चुनते हैं? क्योंकि शौनक मुनि पहले तो वृद्ध एल्डरली थे, राइट, एज में, वही में एल्डरली थे, वयोवृद्ध।
बाद में कुलोपति, कुलोपति मतलब का मतलब है जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे उन सब के लीडर थे, और ब्रह्मच, ब्रह्मच मतलब लर्नड, ज्ञानी थे। तो ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है प्रश्न पूछने के लिए। तो हर कोई प्रश्न पूछता नहीं है, हजारों संत साधु संत बैठे हैं, पर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव वही बात करता है, राइट। तो ये एटिकेट है कि जो सबसे वरिष्ठ है, सीनियर है, जिनका ज्ञान ज़्यादा है, उनको सम्मान देना। एक बार जब राधानाथ महाराज, जब शिला प्रभुपाद धरती में थे, शिला प्रभुपाद न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी में गए थे, हमारे अमेरिका में एक फार्म है जहाँ पे उस समय राधानाथ स्वामी महाराज ब्रह्मचारी के रूप में सेवा करते थे। तो वहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज ने एक हार बनाया था प्रभुपाद को पहनाने के लिए, और प्रभुपाद व्यासासन पर बैठे थे, और प्रभुपाद ने सर झुका और राधानाथ महाराज को बोल रहे थे हार पहनाओ। पर राधानाथ महाराज के पास और एक प्रभुपाद के शिष्य थे, उनके ही गुरु भाई, राधानाथ महाराज के गुरु भाई जो उनसे वरिष्ठ थे। तो महाराज ने जो हार है उनके हाथ में दे दिया, और उन्होंने प्रभुपाद को पहनाया हार, खुद पहनाया नहीं, महाराज ने खुद बनाया हाथ से पर पहनाया नहीं, अपने वरिष्ठ गुरु भाई है उनके हाथ में दे दिया। और प्रभुपाद खुश किसके, किस पे हुए, राधानाथ महाराज पे हुए, जो बड़े गुरु भाई थे उनके ऊपर प्रभुपाद देखे ही नहीं, राधानाथ महाराज पे खुश हो गए, क्योंकि आपने ये वैष्णव सदाचार फॉलो किया, साइंस फॉलो किया। खुद डाल सकते थे, बस सीनियर मिला तो उनको बोले आप डालो, राइट। तो ये एटिकेट है, राइट, सीनियर का रिस्पेक्ट करना, राइट। जब चैतन्य महाप्रभु के आप पार्षदों की ज़िंदगी में देखेंगे तो ये एक चीज़ कॉमन रहता है, वैष्णव एटिकेट, सदाचार। जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उनको कुछ प्रश्न पूछता था चैतन्य महाप्रभु को, तो रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा चैतन्य महाप्रभु को पूछते नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु जैसे थे, मेंटर, गाइड जैसे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं कि ये मेरा प्रश्न है, आप पूछिए चैतन्य महाप्रभु को, राइट। जो एटिकेट है, सीधा भगवान के पास जाते नहीं है, गुरु के माध्यम से रिस्पेक्टफुली जाते हैं, राइट। तो ये हमारा पूरे जितने भी हम ग्रंथ देखेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए आते हैं सिद्ध बकुल में, और उनके चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, जो वरिष्ठ पार्षद है उनको लेके आते हैं, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी उनके लेवल के सीट पर बैठते नहीं है, नीचे बैठते हैं, और जो सीनियर्स हैं उनको ऊपर बैठने का अवसर देते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि वैष्णव एटिकेट मतलब बहुत फाइन रिफाइनमेंट इन कल्चर। जैसे महाभारत में युद्ध होता है, युद्ध होने के पहले जब 13वां साल जब पांडव अज्ञातवास में रहते हैं विराट के राज्य में, तब अर्जुन बृहन्नाला बन जाते हैं, यूनक, एक स्त्री नपुंसक के रूप में। तो उस समय जितने भी कौरव हैं, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणा, सब आके विराट देश को आक्रमण करते हैं। तब अर्जुन जाते हैं बृहन्नाला के रूप में इनसे झगड़ा करने के लिए। पर पहला चीज़ अर्जुन क्या करते हैं, पहला जो दो बाण है भीष्म के चरणों पे और द्रोण के चरणों पे बाण छोड़ते हैं, युद्ध करने वाले उनसे, फिर भी क्या करते हैं, बाण से उनका प्रणाम लेते हैं, मैं अभी आपसे युद्ध करने वाला हूँ पर मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। जब महाभारत युद्ध होने से पहले शंख बज गया दोनों तरफ, युधिष्ठिर उतर जाते हैं रथ से, अपना जो क्राउन है वो निकाल के युधिष्ठिर महाराज सीधा जाते हैं भीष्मदेव के पास, और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेते हैं, कृपाचार्य से आशीर्वाद लेते हैं, युद्ध करने वाले उनसे, फिर भी एटिकेट है, सीनियर का रिस्पेक्ट करना है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे जो वैष्णव एटिकेट है ये भक्तों के लिए ऑर्नमेंट है, जो सदाचार है वैष्णवों का, हम कैसे दूसरों वैष्णवों को सम्मान देते हैं, स्पेशली जो हमसे सीनियर हैं उनको सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये वैष्णव का एक प्रिंसिपल है। इससे हम भगवान को जल्दी खुश कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं हर एक अपना प्रश्न नहीं पूछते, हर एक बोलता नहीं है, एक ही व्यक्ति बोलता है उनके लिए, वो कौन है, शौनक ऋषि। और शौनक ऋषि को क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि वो पहले वृद्ध है,
वही में बाद में वो लीडर हैं सबके, सबसे वरिष्ठ है और उनका ज्ञान भी बहुत है। तो इसलिए शौनक ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन वो उत्तर देते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, श्री शौनक ऋषि हैड ऑल दिस क्वालिफिकेशंस एंड थस ही स्टूड अप टू कॉन्ग्रेचुलेट श्री सुत गोस्वामी हु ही व्हेन ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू प्रेजेंट श्रीमद् भागवतम एग्जैक्टली एज ही हर्ड इट फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी एंड ऑल्सो रियलाइज्ड इट पर्सनली। तो शौनक ऋषि उठते हैं और सुत गोस्वामी को धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि आप हमको अभी भागवतम सुनाने वाले हैं। और क्यों अभिनंदन देते हैं, क्योंकि सुत गोस्वामी बोलते हैं कि मैं अभी भागवतम कैसे बोलने वाला हूँ आपको, जो मैंने सुना है, जैसे मैंने समझा है और जितना साक्षात्कार पाया उतना ही बोलूँगा। तो सुत गोस्वामी बोलते नहीं है कि मैं अपना ही कुछ मत बोलने वाला हूँ, नहीं, राइट, वो एज इट इज बताते हैं, राइट। पर्सनल रियलाइजेशन डज नॉट मीन दैट वन शुड आउट ऑफ वैनिटी अटेम्प्ट टू शो वंस लर्निंग बट ट्राइंग टू इम्प्रेस द प्रीवियस आचार्य। तो साक्षात्कार का मतलब क्या है, साक्षात्कार का ये मतलब नहीं है कि हम खुद अलग से एक अर्थ निकाले, नहीं, साक्षात्कार का मतलब है जो अर्थ है पहले आचार्यों ने समझा है वही अर्थ को हम जो ऑडियंस है उसके हिसाब से हम थोड़ा उनके लेवल तक प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग बना के, पर नया अर्थ नहीं निकालते, राइट। इसलिए सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं, मैंने जैसे सुना है वैसे ही प्रेजेंट करता हूँ। तो शिष्य का काम क्या है, गुरु जैसे बोलते हैं एज इट इज़ प्रेजेंट करना, इंटरेस्टिंग बना के प्रेजेंट करना पर एज इट इज़ प्रेजेंट करना। ही मस्ट हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द प्रीवियस आचार्य एंड एट द सेम टाइम ही मस्ट रियलाइज द सब्जेक्ट मैटर सो नाइसली दैट ही कैन प्रेजेंट द मैटर फॉर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस इन अ सूटेबल मैनर। तो उसको जो प्रचारक है उसको पूरा विश्वास होना चाहिए किस पे, पहले के जो आचार्य हैं उनके शब्दों पे विश्वास होना चाहिए और उसको ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए समय देश काल पात्र टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, जैसे श्रील प्रभुपाद उनके तात्पर्यों में करते हैं, तात्पर्य और अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने जैसे उनके गुरु से सुना है वैसे ही प्रेजेंट करते हैं, पर एग्जाम्पल कैसे देते हैं, जो मॉडर्न सिचुएशन है उसके हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं, बट जो एसेंस है वैसे ही है। जैसे एक टैबलेट होता है, टैबलेट का पैकेज अलग अलग हो सकता है पर टैबलेट का जो अंदर का मेडिसिन वही होना चाहिए, अंदर का मेडिसिन चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो प्रचारक है उसका काम क्या है, पैकेजिंग अलग अलग कर सकता है वो, राइट, जैसे लोगों को अच्छा लगे, पर अंदर का मेडिसिन वही होना चाहिए। अंदर का मेडिसिन चेंज हो गया, अपना ही खुद का मेडिसिन देने लगा तो कुछ काम नहीं करेगा, राइट। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट मस्ट बी मेंटेन, नो ऑब्स्क्योर मीनिंग शुड बी स्क्रूड आउट ऑफ इट, येट इट शुड बी प्रेजेंटेड इन इंटरेस्टिंग मैनर फॉर द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस। तो अलग अलग अर्थ नहीं निकालना चाहिए, वही अर्थ को इंटरेस्टिंग रूप से ऑडियंस को प्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार है। द लीडर ऑफ द असेंबली शौनक कुड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्पीकर श्री सुत गोस्वामी सिंपली बाई अटरिंग यथाधीतम एंड यथामति एंड देयर फोर ही वॉज वेरी ग्लैड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम इन एक्सटेसी। तो शौनक ऋषि को बहुत आनंद आता है सुत गोस्वामी को धन्यवाद देते हुए, क्यों, क्योंकि सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं, मैं जैसे सुना है वैसे ही प्रस्तुत करूँगा। तो शौनक ऋषि को इसके लिए आनंद नहीं आता कि अभी मैं नया कुछ सुनने वाला हूँ, नया मसाला बोलने वाला है, नहीं, आनंद किस लिए आता है, जैसे उन्होंने अपने गुरु से सुना है वैसे ही वो प्रेजेंट करने वाले हैं। सो नो लर्नड मैन शुड बी विलिंग टू हियर अ पर्सन हु डज नॉट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल आचार्य। इसलिए जो पहले के आचार्यों को प्रतिनिधित्व नहीं करता, उनके हिसाब से जो उन्होंने बोला है वही रिपीट नहीं करता, ऐसे लोगों से हमको सुनना नहीं है। सो द स्पीकर एंड द ऑडियंस वर बोनाफाइड इन दिस मीटिंग वेयर भागवतम वॉज बींग रिसाइटेड फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये दूसरे बाहर है जहाँ पे भागवतम की चर्चा हो रही है। पहला तो सुखदेव गोस्वामी, सॉरी ये तीसरी बार है एक्चुअली, पहला व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं, दूसरी बार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुनाते हैं और यहाँ पे सुत गोस्वामी शौनक आदि जी को सुना रहे हैं। दैट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ रिसाइटेशन ऑफ भागवतम सो दैट द रियल पर्पज कैन बी सर्व्ड विदाउट डिफिकल्टी। अनलेस द सिचुएशन इज क्रिएटेड, भागवतम रिसाइटेशन फॉर एक्सट्रेनियस पर्पसेस
इज यूजलेस लेबर फॉर बोथ द स्पीकर एंड द ऑडियंस। तो ये भागवतम का स्टैंडर्ड होना चाहिए। भागवतम का स्टैंडर्ड क्या है, जो वक्ता है वो परंपरा में आना चाहिए और जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनका इच्छा क्या होना चाहिए, मुझे परंपरा से आया हुआ ज्ञान ही सुनना है। तो ये जब दोनों कॉम्बिनेशन आता है तब भागवतम में जो वक्ता है और श्रोता है दोनों का लाभ होगा। राइट, टेक्स्ट टू, शौनक उवाच सुता सुता महाभागा वदनो वदताम वर कथां भगवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। शौनक सेड, ओ सुतो गोस्वामी, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट एंड रिस्पेक्टेड ऑफ ऑल दोज हु कैन स्पीक एंड रिसाइट। प्लीज रिले द पायस मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम विच वॉज स्पोकन बाई द ग्रेट सेज, ग्रेट एंड पावरफुल सेज शुकदेव गोस्वामी। राइट, तो शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी का अभिनंदन देते हैं और धन्यवाद देते हैं, बोलते हैं सुत सुत महाभागा कि आप बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि आपने शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुना है। राइट, और बोलते हैं कि आप सबसे बेस्ट व्यक्ति है भागवतम बोलने के लिए क्योंकि आप अच्छा बोलते भी हैं और आपने अच्छे से ज्ञान भी उपलब्ध किया है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं परपोर्ट, सुतो गोस्वामी इज एड्रेस्ड हियर इन बाय शौनक गोस्वामी आउट ऑफ ग्रेट जॉय ट्वाइस बिकॉज ही एंड द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर ईगर टू हियर द टेक्स्ट ऑफ भागवतम अटर्ड बाय शुकदेव गोस्वामी। तो यहाँ पे है शौनक आदि ऋषि सुत सुत महाभागा, एक बार सुत गोस्वामी का नाम नहीं ले रहे, दो बार ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सटसी में है, आनंद में है। राइट, बहुत उत्सुक है भागवतम सुनने के लिए। राइट, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है भागवतम सुनने और समझने का, वो क्या है, उत्सुकता, ईगरनेस। राइट, जब तक हम उत्सुक नहीं है किसी चीज़ का, वो चीज़ का हमको लाभ उतना होता नहीं है। राइट, जितना इंटरेस्ट है उतना लाभ मिलेगा। राइट, जैसे खाना है सामने है पर भूख नहीं है तो खाने को हम अच्छे से रिलीज नहीं कर पाएंगे, अच्छे से खा नहीं पाएंगे। तो कुछ भी खाने के लिए भूख चाहिए, तो वैसे ही ज्ञान सुनना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान के लिए भूखा होना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट है जो अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेगा, जो सही में उसको इंटरेस्ट है, बहुत उत्सुक है, वो प्राप्त करेगा, हर एक छोटा चीज़ लेगा, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा। राइट, जैसे एक बछड़ा होता है, बछड़े को आप जब बांध के रखते हैं और बछड़ा उसने टांड लिया, उसका बहुत उत्कंठा है दूध पीने का, मांस है, तो बछड़ा वो जो रस्सी है तोड़ के निकलेगा, सब तोड़ के निकलेगा वो। राइट, तो वो ईगरनेस चाहिए हमको, लॉलियम। जब तक वो ग्रीड नहीं है तब तक भागवतम मैसेजेस सुनेंगे पर उतना फ़ायदा नहीं होगा। राइट, जैसे परीक्षित यहाँ पे है, यहाँ पे शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से सुनते हैं। परीक्षित महाराज इतने ग्रीडी थे, बोलते मुझे एक समय भी वेस्ट नहीं करना है, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए मुझे एक समय भी वेस्ट नहीं करना है, मुझे हर एक मोमेंट यूटिलाइज करना है। तो वो ग्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वो ग्रीड नहीं रहेगा, ईगरनेस, तब तक ये भागवतम को लाभ नहीं होगा। राइट, तो जैसे सही गुरु चाहिए, सही टीचर चाहिए, वैसे स्टूडेंट का भी कर्तव्य है कि वो भी अपने जो एटीट्यूड है उसको विकसित करे। राइट, वी रियली बिकम ईगर फॉर दिस। तो इसलिए शौनक ऋषि सुत गोस्वामी का नाम दो बार लेते हैं, सुत सुत महाभागा। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग इट फ्रॉम अ बोगस पर्सन हु वुड इंटरप्रेट इट इन हिज ओन वे टू सूट हिज ओन पर्पस। तो शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से सुनने के लिए उनका ईगरनेस है, उत्साह है, पर बाकी जो व्यक्ति है जो भागवतम अपने मन के हिसाब से बोलता है, ऐसे व्यक्ति से सुनने का उनका उत्साह नहीं है। जनरली द सो कॉल भागवतम रिसाइटर्स आर ईदर प्रोफेशनल रीडर्स और सो कॉल इम्पर्सनलिस्ट हु कैन नॉट एंटर इन टू द ट्रांसेंडेंटल पर्सनल एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सन। तो जनरली जो भागवतम में प्रवचन देते हैं बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल, बहुत सारे लोग कैसा रहता है, एक तो प्रोफेशनल रिसाइटर्स, प्रोफेशनल रिसाइटर्स मतलब भागवतम के प्रवचनों पे वो अपना बिजनेस करते हैं।
उनका धंधा रहता है। दूसरा जो इम्पर्सनलिस्ट जो मायावादी हैं वो भागवतम समझाते हैं। भागवतम किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। उनको भगवान पे ही विश्वास नहीं है, उनको लगता है भगवान का कुछ रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। ऐसे लोगों से भागवतम सुन के कुछ लाभ नहीं होने वाला। सच इम्पर्सनलिस्ट ट्विस्ट सम मीनिंग्स आउट ऑफ द भागवतम टू सूट एंड इम्पोर्ट इम्पर्सनलिस्ट व्यूज एंड द प्रोफेशनल रीडर्स एट वंस गो टू द 10th कैंटो टू मिस एक्सप्लेन द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द लॉर्ड्स पास्ट टाइम्स। जो मायावादी है वो क्या करते हैं, अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग मीनिंग निकालते हैं भागवतम का। ओरिजिनल मीनिंग को छोड़ देते हैं, अलग अलग मीनिंग। जैसे गीता के समय गीता कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होता है तो लोग उसका मीनिंग क्या निकालते हैं, कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर, पांडव मतलब हमारे इंद्रिया, पांच इंद्रिया, और कृष्ण मतलब मन। तो ये सब अपना अपना मत निकालते हैं, ये सब बोनाफाइड नहीं है। तो वैसे ही भागवतम में मायावादी जो है अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। और जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं जो भागवतम पर बिजनेस करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, सीधा दसवां स्कंद पे चलांग लगाते हैं, और दसवां स्कंद में भी रासलीला में चलांग लगाते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट करके जाते हैं बस, राइट। सो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है, भागवतम की फिलॉसफी को समझना नहीं चाहते हैं, मनोरंजन, वो मनोरंजन करते हैं और लोग मनोरंजन के लिए आते हैं और पैसे दे के जाते हैं। तो इससे क्या होगा, मनोरंजन ही होगा, हृदय का परिवर्तन नहीं होने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा इससे, राइट। सो नीदर ऑफ दीज रिसाइटर्स आर बोनाफाइड पर्सन टू रिसाइट भागवतम, ओनली वन हु इज प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट भागवतम इन द लाइट ऑफ सुखदेव गोस्वामी एंड वन ओनली वन हु इज प्रिपेयर टू हियर सुखदेव गोस्वामी एंड इज रिप्रेजेंटेटिव आर बोनाफाइड पार्टिसिपेंट्स इन द ट्रांसेंडेंटल डिस्कशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए हमको अगर भागवतम सुनना है तो किससे सुनना चाहिए, जो सुखदेव गोस्वामी और उनके जो गुरु परंपरा में आए हैं, भक्त हैं, उनसे ही हमको भागवतम सुनना चाहिए, राइट। और किसी से भागवतम सुनना नहीं चाहिए। तो इसलिए शौनक आदर्शि इतना उत्साह है उनको भागवतम सुनने का, क्यों, क्योंकि सुत गोस्वामी परंपरा में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भागवतम सुनने के लिए हमको उत्साह होना चाहिए और किसी से नहीं, राइट। टेक्स्ट 3, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, स्थाने वा केन हेतुना, स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदिता कृष्णः, कुतः संचोदितः कृष्णः, कृतवान् संहिता मुनि, कृतवान् संहिता मुनि। इन व्हाट पीरियड एंड एट व्हाट प्लेस वाज दिस फर्स्ट बिगन एंड व्हाई वाज दिस टेकन अप, where did Krishna Dwapanya Vyas the great sage get the inspiration to compile this literature? तो ये अध्याय में उनका पहला प्रश्न है शौनकादि ऋषि का कि ये भागवतम पहला कहाँ बोला गया, राइट, और ये भागवतम को लिखने का जो प्रेरणा है व्यासदेव को कहाँ से मिला, किसने दिया, राइट, और कब मिला। तो ये इनका प्रश्न है। तो ये जो पूरा उत्तर है ये भागवतम के अध्याय में आता है कि व्यासदेव ने भागवतम लिखा क्यों, उनको प्रेरणा, अगर व्यासदेव ने ऑलरेडी वेद सब लिख डाले, महाभारत सब लिखा है, तो भागवतम लिखने की क्या जरूरत मिली उनको, व्हाट वाज द नीड टू राइट भागवतम, राइट। तो इनका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। परपोर्ट, बिकॉज श्रीमद् भागवतम इज द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शिला व्यासदेव, देर आर सो मेनी इंक्वायरीज बाई द लर्नर शौनक मुनि। तो व्यासदेव ने बहुत सारे पुस्तक लिखे, वेद, उपनिषद, पुराण, पर श्रीमद् भागवतम जो है द बेस्ट, उनका स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट वॉज नोन टू देम दैट शिला व्यासदेव हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन द टेक्स्ट ऑफ द वेदास इन वेरियस वेज अप टू द महाभारत फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेस इंटेलिजेंट वुमेन शूद्रास एंड फॉलन मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द ट्वाइस बॉर्न। तो शौनकादि ऋषि को ऑलरेडी पता था कि व्यासदेव ने इतने सारे वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, तो इतना सब लिखने के बाद और एक भागवतम लिखने की क्या ज़रूरत है, उतना पुस्तक तो बहुत हो गया, राइट, और एक भागवतम लिखने की उनके लिए ज़रूरत क्या पड़ा। श्रीमद् भागवतम इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज इट हैज़ टू डू नथिंग टू डू विथ एनीथिंग मंडेन, सो द इंक्वायरीज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड रेलिवेंट। तो शौनकादि ऋषि ये नहीं पूछते हैं कि व्यासदेव ने वेद क्यों लिखा,
इतने सारे उपनिषद पुराण क्यों लिखे, वो सब पूछते नहीं है। वो पूछ क्या रहे हैं, व्यासदेव ने भागवतम क्यों लिखा। मुझे वेदों के बारे में ज़्यादा सुनना नहीं है, उपनिषद के बारे में ज़्यादा सुनना नहीं है, भागवतम का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। क्यों? क्योंकि जो वेद हैं वो तीन गुणों के अधीन आते हैं, राइट। जो अलग अलग ये तीन गुण के अंदर हैं तो उनके लिए अलग अलग वेद है, वेद का भाग है। पर जो भागवतम है ये तीन गुण से परे है, दिव्य ग्रंथ है। इसलिए शौनक आदि ऋषि भागवतम के बारे में सुनना चाहते हैं, भागवतम का ओरिजिन के बारे में समझना चाहते हैं। टेक्स्ट 4, तस्य पुत्रो महायोगी, तस्य पुत्रो महायोगी, समद्रिन निर्विकल्पकः, समद्रिन निर्विकल्पकः, एकांतमतेर उन्निद्रो, एकांतमतेर उन्निद्रो, गूढो मूढा इवेयते, गूढो मूढा इवेयते। His son was a great devotee, an equibalanced monist, whose mind was always concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. जो शौनकादि ऋषि का दूसरा प्रश्न जो यहाँ से शुरू होता है वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि व्यासदेव ने भागवतम क्यों लिखा, तो उनका दूसरा प्रश्न जो आगे आएगा, सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम क्यों सुना और परीक्षित महाराज को क्यों और कब बोला। तो सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हुए यहाँ पे बताते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र है वो कितने महान हैं, वो कौन है, महायोगी, अ ग्रेट डिवोटी, राइट। और समुद्र निर्विकल्पक मतलब एन इक्विबैलेंस्ड मोनिस्ट। जो सुखदेव गोस्वामी हैं ये दुनिया के द्वंद से परे थे, राइट। उनको द्वंद क्या है समझ में नहीं आया, सुख दुख, राइट, कुछ भी चीज़ उनको समझ में नहीं आया। इनफैक्ट अगले श्लोक में देखेंगे उनको स्त्री और पुरुष में भी फर्क समझ में नहीं आया, वो दोनों को एक समान ही देखते थे, राइट। तो मतलब ब्रह्म में ऑलरेडी लीन हो चुके थे, सेल्फ रियलाइज सोल, राइट। एकांत मति, उस माइंड इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मोनिज्म। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो बाह्य दृष्टिकोण से कैसे दिखते थे, मूढ़ ईवयते, लोगों के लिए लगता था कि ये पागल व्यक्ति है, राइट। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर आए हैं, नंगे ऐसे ही चले गए बाहर, कपड़े भी नहीं पहने सुखदेव गोस्वामी ने, तो लोगों को लग रहा था ये तो पागल व्यक्ति है, राइट। पर जो संत हैं, साधु हैं, हमारे आंखों के दृष्टि से हम समझ नहीं सकते, आंख से हम पहचान नहीं सकते कि कौन संत हैं कौन संत नहीं है। तो जब सुखदेव गोस्वामी, आगे जाके वर्णन आएगा, सुखदेव गोस्वामी जब चल रहे थे तो उनके पीछे बच्चे पीछे चल रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे, उनको लग रहा था पागल व्यक्ति है चल रहा है, राइट। पर जब देखा उन्होंने कि सुखदेव गोस्वामी सीधा कहाँ गए, ये भागवतम के सत्र में जहाँ पे परीक्षित महाराज बैठे थे, और जब भागवतम का प्रवचन शुरू किया तब लोगों को समझ में आ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भक्त को कैसे पहचान सकते हैं, जब वो बोलना शुरू करता है तभी समझ में आता है इसका लेवल क्या है, राइट। देखने से पता नहीं चलता, देखने से लगता है कि पागल व्यक्ति है, इसमें और बाकी भौतिक लोगों में फर्क नहीं है, पर जब भक्त बोलने लगता है ना तभी उसका लेवल समझ में आता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी बोलने लगते हैं भागवतम, उधर सब बच्चे भाग जाते हैं, उनको समझ में आता है कि हम सोच रहे थे ये पागल है पर ये पागल है नहीं। परपोर्ट, श्री सुखदेव गोस्वामी वॉज अ लिबरेटेड सोल एंड थस ही रिमेन्ड अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट नॉट टू बी ट्रैप्ड बाई द इल्यूजरी एनर्जी। तो सुखदेव गोस्वामी क्योंकि मुक्त आत्मा थे वो हमेशा अलर्ट थे, अलर्ट का मतलब है बहुत सावधान थे कि उनको माया के प्रभाव में न आए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे मेरे भक्तों का एक, मेरा कंप्लेन एक ही है इस्कॉन भक्तों के प्रति, वो क्या है, मेरे भक्त जो है माया के प्रति उनका उतना भय नहीं है, दे आर नॉट सफिशियंटली फियरफुल ऑफ माया। तो सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे फिर भी वो अलर्ट थे कि माया मेरे जिंदगी में नहीं आना चाहिए। इन द भगवद्गीता दिस अलर्टनेस इज वेरी लुसिडली एक्सप्लेन्ड, द लिबरेटेड सोल एंड कंडीशन सोल्स हैव डिफरेंट एंगेजमेंट्स। तो भगवद्गीता में वर्णन आता है जो भक्ति में लगे हैं भक्त हैं और जो अभक्त हैं, जो मुक्त आत्मा है और जो बद्ध जीव है, उनमें बहुत फर्क है, राइट। फर्क क्या है, द लिबरेटेड सोल इज ऑलवेज एंगेज इन द प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट विच इज समथिंग लाइक अ ड्रीम फॉर अ कंडीशन सोल।
तो जो मुक्त आत्मा है या जो मुक्ति के मार्ग में लगे हैं वो ऐसा कार्य करते हैं जो बाहर के लोगों के भौतिक लोगों के लिए क्या लगता है, सपना ही लगता है, राइट। उनको समझ में नहीं आता भक्त क्या कर रहे हैं। द कंडीशन सोल कैन नॉट इमेजिन द एक्चुअल एंगेजमेंट्स ऑफ अ लिबरेटेड सोल। तो जो बद्ध जीव हैं, जो अभक्त हैं, उनको भक्तों का कार्य समझ में नहीं आता। जो अभक्त हैं उनको लगता है कि भक्त लोग तो पागल हैं, हरे कृष्णा मंदिर में हरे कृष्णा जप करते रहते हैं, राइट, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक डालते हैं, राइट, मांस छोड़ देते हैं, पागल लोग हैं, राइट। और भक्तों का क्या लगता है, बाकी के लोग पागल हैं, राइट। तो दोनों एक दूसरे को पागल बोलते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को लोग समझ रहे थे ये तो मूढ़ है, राइट, और भक्त क्या सोचते हैं, बाकी लोग मूढ़ हैं। तो इसलिए गीता में भगवान वर्णन करते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरमी संयमी। जो भक्त के लिए रात है अभक्त के लिए दिन है, जो भक्त के लिए दिन है अभक्त के लिए रात है, मतलब दोनों मैच ही नहीं होगा, राइट, दोनों का दिशा कंप्लीटली अलग है। सिमिलरली द एंगेजमेंट ऑफ अ कंडीशन सोल अपीयर्स टू बी अ ड्रीम फॉर अ लिबरेटेड सोल। तो जैसे जो अभक्त है वो सोचता है कि भक्तों का जीवन जो सपने का जिंदगी है, राइट, कुछ अस्तित्व नहीं है उसमें, इमेजिनेशन है। तो वैसे ही भक्त क्या सोचता है, जो अभक्तों का जिंदगी है वो सपने का जिंदगी है, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। द कंडीशन सोल एंड अ लिबरेटेड सोल मे अपेरेंटली बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म बट एक्चुअली दे आर डिफरेंटली एंगेज एंड देयर अटेंशन इज ऑलवेज अलर्ट ईदर इन सेंस एन्जॉयमेंट और इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो बद्ध जीव है और जो मुक्त आत्मा है, जो भक्त है और अभक्त है, देखने में एक जैसे ही लगेंगे, शायद कार्य भी एक जैसे ही करते होंगे। भक्त भी ऑफिस जाता है, भक्त भी कार्य करता है, अभक्त भी कार्य करता है, देखने में सब एक जैसा लगेंगे, बट बहुत फर्क है मनस्थिति में। मनस्थिति में क्या है फर्क, जो अभक्त है वो हमेशा अलर्ट है, हमेशा किसके लिए अलर्ट है, हमेशा देखता है मेरा इंद्रिय वो कहाँ पे होगा, राइट। और जो भक्त है वो अलर्ट है, वो अलर्ट किसके लिए है, साक्षात्कार मुझे कहाँ वो मिलेगा। जो अभक्त ढूंढता रहता है माया किधर है, भक्त ढूंढता रहता है कृष्ण किधर है, राइट। दोनों में बहुत फर्क है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक जैसे ही युद्ध कर रहे थे, लोगों के लिए लग रहा था कि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, बट फर्क बहुत था। दुर्योधन अपने इंद्र तृप्ति के लिए युद्ध कर रहा था और अर्जुन कृष्ण के संतुष्टि के लिए युद्ध कर रहे थे, राइट। तो कहने का मतलब है कि भक्तों को हमारे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पहचान नहीं सकते हम भक्तों को। भक्तों को पहचानना है तो कैसे पहचानना है, कानों से। जब वो बात करेंगे कृष्ण के बारे में, जब वो सुनेंगे तभी पहचान सकते हैं। हम आंखों से देखेंगे तो हमारा आंख मिस्टेक कर लेगा। द कंडीशन सोल इज अब्जॉर्ब इन मैटर वेर एज अ लिबरेटेड सोल इज कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू मैटर। दिस इनडिफरेंस इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोस। जो बद्ध जीव है हमेशा इंद्र तृप्ति में मग्न है और जो मुक्त आत्मा है भक्त है हमेशा कृष्ण में मग्न रहते हैं, कोशिश करते हैं। और जो मुक्त आत्मा है वो कैसे भौतिक दुनिया से परे है, इनडिफरेंट, उनको फर्क नहीं पड़ता भौतिक दुनिया का, वो अगला श्लोक बताता है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी का लेवल क्या था, जो मुक्त आत्मा उनका लेवल क्या था, वो अगला श्लोक उदाहरण देता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे आज का सेशन। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? क्या नहीं, उनका उद्धार नहीं होता। वो बोलते हैं, वही बोल रहा हूँ, भागवतम कोई बोल सकता है, पर भागवतम जब तक वो परंपरा में नहीं सुनता वो भागवतम का कुछ इफेक्ट नहीं आता ज़्यादा, इनफैक्ट उल्टा इफेक्ट आता है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भागवतम सुनने का और बोलने का परंपरा में होना चाहिए, तब तक वो ज्ञान का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए वो श्रील प्रभुपाद वो उदाहरण देता है ना सर्प का, हमने कल डिस्कस किया था, दूध पोषण देता है पर दूध को जब सर्प का मुंह लग जाता है तो वो विषैली बन जाता है। तो इसलिए एज इट इज़ प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग भागवतम से ही बोल रहे हैं, फ़र्क क्या है, फ़र्क है, सब एक जैसा नहीं है, देयर इज़ डिफरेंस।
तो इसलिए यहाँ पे सुत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को उनसे सुनने के लिए इच्छा है उनका, क्योंकि वो परंपरा में आते हैं, राइट। तो हमारा उत्साह किस लिए होना चाहिए? जो भक्त परंपरा में आते हैं ऐसा भक्तों से ही सुनना चाहिए, बाकी से सुन के कुछ मतलब नहीं होने वाला। तो वी बी वेरी केयरफुल। पालन भी नहीं करते। एग्जैक्टली।